हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज। क्लास हमारी है 9th, लेसन 2nd और कॉम्प्रिहेंशन नंबर 1। इसमें राइटर क्या कहते हैं कि जो एवलिन ग्लेनी, जो हमने कल पाठ पढ़ा था, उसमें एक लड़की थी जिसका नाम था एवलिन ग्लेनी। एपोस्ट्रॉफी एस, ऊपर कोमा लग के जब एस लगता है तो इसको हम का के की बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है पंक्चुएशन मार्क्स में एपोस्ट्रॉफी एपोस्ट्रॉफी एस, क्योंकि ये कोमा लगा के एस लगाया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं कि उस जो हम इसको हम कल डिस्कस कर चुके थे, इसलिए आज हम इसको कम्प्लीटली ट्रांसलेट ना करके डायरेक्ट कॉम्प्रिहेंशन के हम क्वेश्चंस करेंगे। लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ये जो था ग्रेजुअल धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग, और इसको नोटिस किसने किया, उसकी मदर ने। समथिंग वॉज रॉन्ग वेन द 8 ईयर्स ओल्ड एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वो फंक्शन में पियानो बजाने के लिए इंतज़ार कर रही थी। एज उसकी थी 8 ईयर्स की। तो क्या हुआ कि फंक्शन में जब उसका नाम कॉल किया गया, दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव, हिली भी नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, सेड इजाबेल ग्लेनी। ये हमने कल बात की थी कि एवलिन ग्लेनी की माँ का नाम था इजाबेल ग्लेनी। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील छुपाना हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, उनसे वो छुपाती रही। लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हो गई, हर मार्क्स डिटीरियोरेट मीन्स बार बार कम होना, अक्सती होना, हानि होना, कम होते जा रहे थे। एंड हर हेड मास्टर अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर को चेक कराने की हेडमास्टर साहब ने कही। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो आपका वही बन सकता है, फ्रॉम विच लेसन, फ्रॉम विच चैप्टर हैज़ दिन पैसेज बीन टेकन। तो दिस पैसेज हैज़ बीन टेकन फ्रॉम साउंड ऑफ म्यूजिक। एट वट एज वॉज हर डेफनेस साइटेड फर्स्ट, सबसे पहले कब देखी गई थी, सबसे पहले अभी पैसेज में आया था 8th में। एट वट की जगह आ जाएगा द, उसके बाद एट यू का यू द एज, उसके बाद आ जाएगा ऑफ 8 ईयर्स। मैथ में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, एट द एज ऑफ 8 ईयर्स कोमा हर डेफनेस वाज, यहाँ पर आ जाएगा वाज साइटेड फर्स्ट, या यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं हर डेफनेस वाज साइटेड फर्स्ट, उसके बाद ये कर दें एट द एज ऑफ 8 ईयर्स। इसमें दो पार्ट है, एक तो एट द एज ऑफ 8 ईयर्स और एक हर डेफनेस वाज साइटेड फर्स्ट। आप दोनों को आगे पीछे भी कर सकते हैं। फॉर वट वाज हर नेम कॉल्ड, तो हर नेम वाज कॉल्ड फॉर, फॉर लगाएंगे तो प्ले के साथ आई एन जी आ जाएगा, फॉर प्लेइंग PLAYING द पियानो, या जैसा कि हमारा ऊपर पैसेज में दिया गया था, इस फोर को काट देंगे टू प्ले द पियानो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज एवलिन्स रिस्पॉन्स व्हेन हर नेम वाज कॉल्ड, क्या रिस्पॉन्स था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। देयर वाज नो रिस्पॉन्स, यू का यू व्हेन हर नेम वाज कॉल्ड, आगे सारा सेम टू सेम, वॉज भी सेम है, हमने सिर्फ दो वर्ड लगाए हैं नो और देयर। देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, और आप पेपर की तरह ऊपर जो पैसेज में था वो भी लिख सकते हैं, सी डिड नॉट मूव। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वॉज हर डेफनेस कन्फर्म्ड,
तो हर डेफनेस इसके बाद आ जाएगा वॉज, हर डेफनेस वॉज कन्फर्म्ड आगे वही एट द एज ऑफ 11 ईयर्स, हर डेफनेस वॉज कन्फर्म्ड एट द एज ऑफ 11 ईयर्स। लास्ट क्वेश्चन आज के पैसेज का है, फ्रॉम हुम डिड सी ट्राई टू कंसील हर डेफनेस, छिपाती किससे थी। शी डिड और ट्राई को मिलाकर आ जाएगा ट्राइड, सेकेंड फॉर्म TRIED ट्राइड, बाकी वही शी ट्राइड टू कंसील हर डेफनेस किससे, फ्रॉम हर टीचर्स TECHERS टीचर्स एंड जो उसकी क्लास के थे फ्रेंड्स FRIENDS। शी ट्राइड टू कंसील हर डेफनेस फ्रॉम टीचर्स एंड फ्रेंड्स। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आप सभी इसको अच्छे से कॉपी में नोट कर लें, और कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।